वहीं एक और खबर है राजस्थान के जिला धौलपुर की, आपको बता दें जहां पर पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 90,000 रुपए के दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने बताया है कि अपराधियों के ऊपर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज थे और जो कि वांछित चल रहे थे। आपको बता दें इनके ऊपर यूपी पुलिस की तरफ से भी इनाम घोषित है। राजस्थान के धौलपुर में 90,000 के दो इनामी बदमाशों को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही इनामी बदमाश डकैत लूटपाट जैसी घटना को अंजाम देते थे, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इनाम घोषित हो चुका था। वहीं धौलपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से देसी कट्टा और 24 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। राजस्थान के धौलपुर से कुलदीप परमार की रिपोर्ट। आपको जो आपकी नीचे वाली जो टीम है, उन सभी को जो इस घटना में सारे पुलिस को पकड़ने में जो शामिल है, उन सबको जो भी पांच साल हमारे कर्मचारी डी एस टी टीम के हों, डिप्टी साहब को तो क्योंकि कैश प्राइज मैं नहीं दे सकता, बाकी जो नीचे जिनको भी कैश प्राइज दे सकता हूँ वो डी जी पी डिस्क के लिए जाएंगे। और मैं मेरी तरफ से 1100 रुपये सभी जिनको कैश रिवॉर्ड।